नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मोरारी जी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है, यहां से एक वर्ष का योगा डिप्लोमा कैसे करें, क्या टाइमिंग रहती है और कब एडमिशन शुरू होते हैं। दोस्तों, बात करूं डिप्लोमा की, जो DYSC डिप्लोमा इन योगा साइंस, एक दो डिप्लोमा होते हैं, एक PG डिप्लोमा थेरेपी रहता है, जो योग में थेरेपी रहता है। जो मेडिकल लाइन वाले हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है मेडिकल लाइन में, मेडिकल लाइन से, तो वो PG डिप्लोमा PG थेरेपी कर सकते हैं। और बात करूं जो योगा DYSC डिप्लोमा इन योगा साइंस की, वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, अपने किसी भी बैकग्राउंड से आपने योगा डिग्री किया हुआ है, उसके पश्चात ये कोर्स कर सकते हैं DYSC। तो इसकी एडमिशन डेट क्या रहती है दोस्तों, यह 12 जुलाई से इसकी एडमिशन डेट होती है। जो मेरा जो बैच रहा है, जो 22-23 का रहा है, उसमें 12 जुलाई से एडमिशन शुरू हुए थे, जो फॉर्म निकले थे 12 जुलाई से, फॉर्म निकलने के बाद जो 5 अगस्त तक वो फॉर्म को क्या रहता है, हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन मोरारी जी देसाई पहुँचाना पड़ता है, आप कुरियर भी पहुँचा सकते हैं। तो उसके पश्चात जो रहा मेरी जो डेट रही है, वो 14 अगस्त को, फिर इसका जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, एंट्रेंस टेस्ट 14 अगस्त को हुआ था। और फिर एंट्रेंस टेस्ट के बाद जो एडमिशन की प्रोसेस रहती है, वो आपको पता चलती जाती है कि आपको कब फॉर्म फिल करना है, ये सारी चीज़ें इसमें प्रोसेस रहती है। जैसा कि मैं आपको साइड में दिखा दे रहा हूँ कैसी प्रोसेस रहती है, ये इसकी साइड है, यहाँ पास आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी अबाउट अस मीट अस। यहाँ पास DYSC करके पूरे कोर्स किया जाएगी जानकारी, अभी यहाँ पास IDY की है, तो यहाँ पास जब आप करेंगे तो DYSC की पूरी जानकारी आ जाएगी। ये सारे कोर्स की जानकारी दी हुई है, ये एक एकेडमिक है, वैकेंसी है, हर चीज़ की इसमें इस साइड में जानकारी दे दी। यहाँ पर स्पेशल DYSC आ जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स अलग अलग रहती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, OBC SC ST अलग अलग रहती है, फॉरनर स्टूडेंट के लिए भी अलग अलग कैटेगरी रहती है, स्पेशल स्टूडेंट के लिए भी अलग रहती है। दोस्तों, संस्थान की तरफ से यहाँ पर कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, अगर आप आउट ऑफ दिल्ली के हैं तो आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा, कहाँ रहना है, कैसे क्या रहेगा, वो आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ संस्थान कोई फैसिलिटी नहीं करता इस विषय में, तो आपको खुद से मैनेज करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब मैं बात करूँगा फीस स्ट्रक्चर की, तो क्या रहता है इसमें, अगर आप EWS का कार्ड है या SC ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते, तो आपको बहुत मदद मिल जाती है यहाँ पास। अगर इसमें 2 सेमेस्टर में फीस लिया जाता है, अगर आप SC ST या EWS का कार्ड है, तो आपको 9,500 रुपये देना पड़ेगा और 5,000 रुपये कॉजर मनी के तौर पर एक्स्ट्रा दिया जाता है, ताकि आपको कोई टूट फूट हो जाए, कुछ चीज़ें होती हैं तो सबकी भरपाई करनी पड़ जाती है। तो ये 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और SC ST के लिए, और बाकी जो जनरल कैटेगरी से हैं और OBC कैटेगरी से हैं, जो मेरी तरह हैं, तो उनके लिए रहेगा कि आपको 19,000 रुपये देना पड़ेगा, और उसमें ये रहेगा कि आपको 5,000 रुपये और कॉजल मनी बढ़ जाएगा। टोटल खर्चा एक साल का मैं बात करूं तो 45-40 हज़ार रुपये इतना पड़ जाएगा, 45-40 हज़ार रुपये इतना खर्चा पड़ जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका टूर कहाँ जाता है, टूर में भी कभी कभी ज़्यादा लग जाता है, कहीं लंबा टूर रहा, तो जैसे कि हमारा इस बार कोई में टूर रहा, तो 4-4.5 हज़ार रुपये इतना पड़ गया था। और जो एग्ज़ाम फीस रहती है, पेपर फीस रहती है, वो 1,000 रुपीज़ 2 सेमेस्टर में पड़ जाएगी। तो ये सब फीस स्ट्रक्चर रहता है, अप्रॉक्सीमेट इतना जाएगा, बाकी आपको रहने खाने की व्यवस्था, आपको कितना खर्चा लगेगा, वो आप अपने सर मैनेज कर सकते हैं। दूसरे सेमेस्टर में भी यही रहेगा कि उसमें भी 9,000 रुपये देना पड़ेगा, और जो SC ST वाले हैं उनको 9,000 रुपये, और जो OBC या जनरल से हैं तो उनके लिए 18,000 रुपये फीस देना पड़ेगा। इतनी फीस स्ट्रक्चर रहती है। दोस्तों, जो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता है, वो वापस आपको एप्लीकेशन देते हैं कोर्स के बाद, तो आपको पूरा मिल जाता है, वापस मिल जाता है वो। दोस्तों, अगर आप अच्छे नंबरों से एंट्रेंस टेस्ट निकाल लेते हैं, अगर आपको कैटेगरी वाइज भी छूट मिल जाती है, ST ST से हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिल जाता है, और EWS का कार्ड है तो उसमें भी आपको लाभ मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर इसकी भी पूरी एडमिशन होने के बाद एक सितंबर से क्लास शुरू हो जाती है, जो कि 2 सेमेस्टर में बना हुआ है यह कोर्स, तो बहुत ही अच्छे आपकी स्टार्ट क्लास हो जाएगी। और बहुत ही अच्छा जो मेरा अनुभव रहा है इस कॉलेज के बारे में, तो मैं बता नहीं सकता, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आप योग कोर्स करें और आपकी लाइफ को ट्रांसफर करें, और योगा में आगे जो करियर बना सकते हैं वो करा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।